मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है हमारा डे टू ओली में और देखिए हमें फिर से स्नोफॉल मिल गई है। नाउ वी आर लकी। अब हम ये नहीं कह सकते कि हम लकी नहीं है, हमारा बैड लक चल रहा है। हमें आज सेकंड डे फिर से स्नोफॉल मिल गई है, तो हम जा रहे हैं ओली और करते हैं एंजॉय स्नोफॉल को। और हमारा गुम्मा ओली ने तोड़ा है। हाँ देखिए कितनी अच्छी स्नोफॉल हो रही है भाई। स्कॉर्पियन ने रीजन दे दिया था हम ओली की चढ़ाई चढ़ रहे थे, तो इसमें दो तरीके होते हैं। या तो आप पहले गाड़ी भगाइए 60-70-80 की स्पीड पे छठे गियर पे, ओली की चढ़ाई चढ़ रहे हैं तो हम कर नहीं सकते, तो इसमें रीजन का ऑप्शन आता है, आप उसको मैनुअली कर सकते हैं। उसके लिए आपको ड्राइवर इन्फो में जाना पड़ेगा, इससे यहाँ पर ड्राइवर इन्फो आएगा और ये जो बटन देख रहे हैं आप, इसको लॉन्ग प्रेस करीबन 20 सेकंड तक दबाए रखिए, 10 से 20 सेकंड के बीच में, तब आपको स्टार्ट होगा। और ये अभी रीजन कर रहा है, अभी ये कितना समय लेता है मैं आपको बताता हूँ। रीजन करने में देखिए कितना इसने ऑयल फेंका है, ऑयल फेंका या कुछ फेंका, ये देखिए लगातार फेंक रही है पानी, ये देखिए फेंक रही है लगातार, ये बूंदे दिख रही है आपको, ये लगातार कुछ फेंक रहा है, ये इतना चिल्ला रही है। करीबन 3000 RPM पे गाड़ी है। करीबन 20 मिनट बाद रीजन हट गया है, ऑटोमेटिक लिख के आ गया कंप्लीट। हम उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाए जब तक, क्योंकि हमने कैमरा खोला वो हट गया, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते भाई, ठीक है। लेकिन 20 मिनट लगा है, अब हो गया, हम चलते हैं ओली की बर्फ बची कि नहीं बची वो देखते हैं। और ये हो रही है स्नोफॉल गाइस, देखिए कितना अच्छी अच्छी स्नोफॉल हो रही है, मजेदार बिल्कुल। और आज बिल्कुल वाइट है पूरा रोड, कल इतनी ज्यादा स्नो नहीं थी रोड पे, लेकिन आज बहुत ज्यादा स्नो है और स्नोफॉल भी अच्छा हो रहा है, अच्छी इंटेंसिटी में हो रहा है। तो हम कहीं रुकते हैं और फोटोज क्लिक कराते हैं और वापस जाते हैं। तो हो रही है फिर से स्नोफॉल, डे है सेकंड हमारा। हम जा रहे थे घर लेकिन हमें लगा कि ऊपर स्नोफॉल हो रही है, तो चलो एक राउंड फिर से ओली का मार के आते हैं। तो हम निकले थे और हमें लकली फिर से स्नोफॉल मिल गई है, और आप देख सकते हैं मेरे ऊपर कितने बड़े बड़े फ्लेक्स आ रहे हैं। अच्छी स्नोफॉल हो रही है इस टाइम पे, और व्यू तो एज ऑलवेज यहाँ का ब्यूटीफुल है ही, कल भी था लेकिन आज रोड्स पे बहुत ज़्यादा स्नो है, और भाई जन्नत है जन्नत। बहुत मज़ा आ रही है। और देखिए ये है सामने से व्यू, आप बर्फ़ देख सकते हैं कितनी ज़्यादा गिर रही है, कितनी हाई इंटेंसिटी में आपको स्नोफॉल दिखाई देगा। और मेरे साथ साथ यहाँ बच्चे भी इंजॉय कर रहे हैं, तो मैं आपको बच्चों को भी दिखाती हूँ। सिया हेलो, कैसा लग रहा है गाइस? आपके सन ग्लासेस कहाँ है बेटा? बिना सन ग्लासेस के स्नो में कैसे एंजॉय करोगे? जाओ सिया सन ग्लासेस लेके आओ, नीचे से सन ग्लासेस लाओ अपने। तो हम भैया आधे रास्ते में पहुंचे तो यहाँ स्नोफॉल होने लगी, और इससे आगे हम जाएंगे नहीं क्योंकि आज स्नो बहुत ज़्यादा है रोडों पे, गाड़ी स्केड हो रही है, तो हमने यहीं गाड़ी लगा ली है। और स्नोफॉल देखिए हो रही है, ये दिख रही होगी आपको स्नोफॉल, तो हम अपनी स्नोफॉल देखते हैं और वापस चलते हैं। ये देखिए मैडम आ रही, मैडम की रील बनाते हैं, आइए मैडम। तो अभी यहाँ पे स्नोफॉल बहुत तेज हो रही है, इसलिए हमारे सनरूफ में थोड़ा सा पानी आ रहा है। देखिए यह स्पीकर लीक कर रहा है, स्पीकर लीक कर रहा है हमारा, ठीक है। ये स्पीकर लीक कर रहा है क्योंकि सनरूफ का जो वो है स्नो, जब वो मेल्ट हो रही है तो यहाँ से पानी की बूंदे आ रही हैं। देखिए जैसे ये आ रही है, यहाँ से भी आ रही है, यहाँ से भी आ रही है। तो हमने यहाँ पे अभी ये कपड़े लगा रखे हैं, इस साइड भी और इस साइड भी, दोनों तरफ के कपड़े लगे हुए हैं। भाई ये महिंद्रा की ये लीकिंग वाली प्रॉब्लम थी ना, जो बीच में पहले उसने डाली थी अरुण पवार ने, वो सही है, हो रही है सही। चलिए अब इसको कंपनी में दिखाएंगे हम लोग। ये जेसीबी देखिए आई है बीआरओ की बर्फ निकालने के लिए, और यहाँ जो गाड़ियाँ खड़ी हैं वो फंस जाएंगी टू व्हील अगर हर बर्फबारी बहुत हो गई तो। वैसे कल से ज़्यादा है आज, मतलब कल रात में बहुत गिरी है और सुबह भी गिरी है। और देखिए यहाँ पे स्नो चेन बांधी जा रही है ट्रक्स में, और बिना स्नो चेन के गाड़ियाँ चल नहीं पाती हैं यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे स्नो चेन बांध के ही चल रही है क्योंकि आज हैवी स्नोफॉल है। रोड की हालत देखिए बहुत ज़्यादा ख़राब है यहाँ पे भी, और जेसीबी से काम चल रहा है। ये पूरा एरिया बीआरओ के अंडर आता है, और जहाँ बीआरओ काम करता है वहाँ परफेक्ट करता है। देखिए जैसे ही स्नोफॉल बढ़ती है और कीचड़ होना शुरू हो जाता है, आप देख सकते हैं सारी बीआरओ की गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं यहाँ पे, और जल्दी जल्दी सारा काम हो रहा है।
आ गए हैं रुद्रप्रयाग और टाइम हो रहा है 2। हम सुबह ओली की स्नोफॉल खेल के फिर कर्णप्रयाग होते हुए रुद्रप्रयाग आ गए हैं। मुझे एक चीज़ याद नहीं आ रहा है कि रील कहाँ बन रही, बहुत जो रील वायरल होती है दो संगम के बीच में वो कहाँ का है। अब हम हैं रुद्रप्रयाग पे और हमें लगा था कि यहाँ पे संगम है लेकिन नहीं, अभी मैंने संगम यहाँ पे भी है जो मेन वो प्रसिद्ध वाला संगम है जो बहुत फेमस वाला है, वो देवप्रयाग में है। तो अब हम देवप्रयाग जाएंगे और वहाँ पे वो संगम को रिकॉर्ड करेंगे। और मार्केट यहाँ की भी अच्छी है, काफी डेवलप मार्केट है, ऐसा नहीं लग रहा है कि हम कहीं गांव में हैं। अभी तक रास्ते में जितनी मार्केट्स पड़ी थी उन सबसे अच्छी मार्केट है ये। यार रास्ता भी अच्छा है, जो हम वाला रास्ते जाए थे हाँ वो हम फंस गए थे, लेकिन ये रास्ता बहुत अच्छा है। ये रोड्स अच्छी है, इधर से नदी है, नहीं कुछ नहीं, नहीं कुछ नहीं। अभी श्रीनगर से पहले ट्रैफिक जाम है क्योंकि कुछ काम हो रहा है, खुदाई चल रही है। लेकिन हम ये रुके हैं, देखिए पीछे नदी बह रही है और कितना डस्ट इन्हें डाल रखा है, पूरे पूरे घर छुप गए हैं, देखिए कितना। और इससे बेनिफिट ये भी है कि जब नदी का बहाव बढ़ता होगा ना तो इधर पानी नहीं आता होगा, नहीं तो ये यहाँ बाढ़ आ जाती होगी। देखिए कितने ट्रक खड़े हैं नीचे, काम चल ही रहा है लगातार, कुछ बन रहा है भाई यहाँ पे। तो अब श्रीनगर पहुँचते हैं, देखें कब जाम खुलता है। ये दिख रहा है आपको, ये काम चल रहा है। अब तो एक बड़ा पत्थर आ गया, पूरी रोड ब्लॉक हो गई, वो उसने खोदा पत्थर पूरा गिर गया नीचे, खुलना तो और समय लगेगा। तो ये वहाँ पे स्टीमर भी चल रहे हैं, जेडजी क्या बोलते हैं जो गोवा में चलती है, ये 10x जूम पे हूँ S23 अल्ट्रा से। देख रहे हो भाई मेरी इतना देख नहीं रहा आपको आंखों से जितना ही कैमरा दिखा दे रहा है। और ये हमारे बगल में है आर्मी वाली स्कॉर्पियो जो 4-व्हील ड्राइव पे आती है, ये जा रही है। क्रीम कलर में बहुत प्यारी लग रही है, हाँ रौनक। और करीबन आधे घंटे बाद अब जाम खुल रहा है, देखिए अभी तक हम लोग वहीं थे, अब जाम खुला है, हम लोग आगे जाएंगे। और इतना जाम है भाई, भाई आधे घंटे का जाम है, आधे घंटे का जाम है, देखिए गाड़ी का देखिए कितनी लग गई है। और ये सूरज की रोशनी बहुत तेज है भाई यहाँ पे। और कानपुर और लखनऊ में लोग बता रहे हैं ठंडा बढ़ रहा है। क्या कह रही हैं? कानपुर और लखनऊ में लोग कह रहे हैं ठंडा बढ़ रहा है, बारिश हो रही है। और यहाँ पे धूप बहुत तेज है, मैडम की आंखें नहीं खुल रही है। और देखिए चले जा रहे हैं, जाम पे जाम मिला ही जा रहा है, पुल तक जाम, गाड़ियाँ खड़ी हो गई। और आप एक चीज देख सकते हैं कि सब अपनी लाइन में खड़े हैं। हाँ भाई, अगर यही अगर कोई आगे पीछे कर लेगा तो अभी यही जाम 2 घंटे में नहीं खुलता। ये कश्मीर वाले रोड पे होता था, बरनिहाल वाले पे यार जहाँ ट्रकों का जाम लगता था। और ये कुछ फील भी वैसा ही दे रहा है। सही कह रहे हो। हाँ अब हो गया, अब जाते हैं भाई, भूख लग रही, कुछ खाएंगे। तो अब हम आ गए हैं ओली से कश्मीर, हम आ गए हैं श्रीनगर, अब हम श्रीनगर को क्रॉस करेंगे। श्रीनगर हमारा दिखा रहा है 5-6 किलोमीटर, सॉरी तो 6 किलोमीटर बाद हम आ जाएंगे श्रीनगर। और ये श्रीनगर कश्मीर वाला नहीं है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, उत्तराखंड में भी एक श्रीनगर है, हम वो श्रीनगर को क्रॉस करने जा रहे हैं। हेलो गाइस, हम जीवन दमाते। सिया कह रही है हेलो गाइस, हम श्रीनगर पहुंच गए हैं, भावना को समझो। और आगे बताइए सिया, आप यहाँ पे आपको क्या खाना है? समोसा खा के मैंने। पहले तो अपनी गाड़ी को तेल डलवाना, 10 किलोमीटर का रेंज दिखा रहा है। हाँ, और हमारे पतिदेव अभी टंकी वालों को जज कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है, इसे नहीं डलाएंगे, मतलब बाद में ये नहीं देख रहे हमारी गाड़ी में तेल नहीं है, अभी भी जज कर रहा है। अब हम पहुंच चुके हैं देवप्रयाग और देखिए दो नदियों का संगम, अलकनंदा और भागीरथी, दो नदी आती हैं तब जाके बनती है वो गंगा। ये जो आगे जा रही है वो गंगा है और ये दो नदियों का संगम है, एक इधर से आ रही है एक इधर से आ रही है। वहाँ मंदिर भी जाना था लेकिन उसकी चढ़ाई वहाँ से उतर मतलब वहाँ से उतरते आदमी तो हमारी हिम्मत नहीं हुई क्योंकि हम थके बहुत हैं, तो हमने कहा ऊपर से ही देख लेते हैं। और ये बहुत अच्छा व्यू है ना विमान, टॉप से व्यू बहुत अच्छा है। मंजिलों की ना है कोई खबर, सफर कैसा है। और ये शिवपुरी के पास होटल लग रहा है कि क्या लग रहा है हमको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन होटल ही है ना परुण। मैं थोड़ा सा और पास जाए तो हम इसको, क्योंकि हम रात में है ना,
हाँ ये स्काई व्यू होटल ही है, ऊपर देखो ना रेस्टोरेंट टाइप का है कुछ। अच्छा ये वो तो नहीं जो हवा में लंच कराते हैं, डिनर कराते हैं? नहीं नहीं वो ऐसा कुछ नहीं, हो भी सकता है, हो भी सकता है, हमें समझ में नहीं आ रहा अंधेरे में। लेकिन हाँ भैया ऋषिकेश तो ऋषिकेश है, यहाँ पे तो अच्छे होटल्स, अच्छे रिजॉर्ट्स, अच्छे कैंप्स, सब कुछ अवेलेबल है। हम प्रॉपर सिटी में एरिया वाले में आ गए हैं, जो कि हमें बहुत अच्छा लगता है। ऋषिकेश फेवरेट डेस्टिनेशन में हम लोग का, फेवरेट शहर है। हमें ऋषिकेश बहुत अच्छा लगता है, हमें हमारे चिल करने के लिए हमारे लिए बेस्ट पॉइंट है ये। हम लोग हैं ऋषिकेश की प्रॉपर सिटी में आ गए, देखिए बरिस्ता बर्गर किंग सब दिख रहे हैं बगल में, और अभी जल्दी कुछ बन गए हैं सभी। हाँ ये बिल्डिंग्स तो मुझे नई लग रही हैं, अभी बन ही रही है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, कुछ ही ब्रांड खुले हैं। ये है लक्ष्मण झूला जो कि लाइट लगी हुई है, और देखिए आधे में लाइट चल रही है आधे में नहीं चल रही है, और जो लोग चिल्ला रहे हैं वो यहाँ पे नीचे जो फोटोज और वीडियो बनाते हैं वो है। पूरा ऋषिकेश देखिए लाइट से कितना अच्छा लग रहा है, और बहुत ही सुंदर व्यू है, और गंगा जी की तो बात ही क्या है, गंगा जी तो एज यूजुअल सुंदर लगती है। तो चलिए अब पहुँचते हैं हरिद्वार, भोले बाबा के दर्शन हो गए हमें हरिद्वार आते ही। अरे दिख जाओ भाई जी भगवान जी, ये देखिए भोले बाबा जो कि बहुत विशाल मूर्ति है। हम लोग रोड के इस तरफ हैं लेकिन साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। तो हम पहुंच गए हर की पौड़ी, हर की पौड़ी ये है भोले बाबा निशानी की। हाँ आप हर की पौड़ी आ गए हो, और ये देखिए पूरी हर की पौड़ी यहाँ से दिख रही है। अभी आपको वहाँ पहुँच के दिखाएंगे तो ज़्यादा अच्छी दिखेगी। हम आ गए हरिद्वार, जो कि देखिए कितनी सुंदर गंगा जी बह रही है, पर हरिद्वार में क्राउड नहीं है। देखिए आप ये पुल देखिए, यहाँ पे कोई है ही नहीं, ये भरा रहता था, मतलब यहाँ पे आपको पहले जगह नहीं मिलती थी चलने की, और यहाँ पे अब कोई भी नहीं है, और पूरी हर की पौड़ी खाली है। मतलब आज हम मंडे को आए हैं इसलिए शायद क्राउड नहीं है, लेकिन भाई हमने हरिद्वार में इतना सन्नाटा कभी नहीं देखा। बट हाँ यहाँ पे आके जो सुकून मिलता है ना वो अलग है। आठ बजी है, कोई बहुत ज़्यादा रात भी नहीं हुई है। तो चलिए चलते हैं, लेते हैं रूम और दिलाते हैं सिया को खिलौना। और देखिए बिल्कुल भी क्राउड नहीं है, मार्केटें बंद हो रही है धीरे धीरे, और ये रेस्टोरेंट्स हैं इधर, इधर लोकल मार्केट है, और हम ढूंढते हैं रूम, रूम ढूंढते हैं, देखते हैं क्या है। तो अब हम आके कुछ खाते हैं, जयराम जी की पूड़ी वाले, मोहन जी की पूड़ी वाले, सब यहाँ पूड़ी वाले हैं, चलते हैं हम लोग पूड़ी खाने। और ये आ गई है पूड़ी, और ये आ गया आलू छोले खस्ता। हाँ मैडम ने भी यही ऑर्डर किया है, यहाँ पे यही खाने, हाँ यही खाने आते हैं हम लोग, यहाँ पे यही खाने आते हैं हम। और ये देखो बच्चों के मुँह कैसे बने, फोन किसको कर रही हूँ, ये भाई साहब ने खस्ते मंगाए थे, खस्ते ऐसे आ गए मुँह देख रहे हैं। तो ये मंदिर का अंदर से एरिया है, और हम बिल्कुल आ गए हैं नदी के पास, यही वाली मंदिर में यहीं पे आरती होती है, इसी के ऊपर आरती होती है। अभी मंदिर देखिए खुला है प्रसाद के लिए, ये है ये मंदिर जहाँ गंगा आरती होती है, देखिए यहाँ पे गंगा आरती होती है, और गंगा जी देखिए कितनी अच्छी बह रही है, बहुत अच्छा फ्लो है। अभी बंद हो चुका है मंदिर, रात की बजी है 9, लेकिन यहाँ पे पंडित जी अभी भी बैठे हुए हैं, पूजा हो रही है, पूजा क्या हो रही है, प्रसाद चढ़ाया जा रहा है। ये है पूरा कॉरिडोर, जब यहाँ पे आरती होती है तो यूजुअली बहुत रश होता है, लेकिन अभी सन्नाटा है। ये सारी चीज़ें अभी बंद हो चुकी हैं। एक ये मंदिर है देखिए छोटा सा, ये एक हनुमान जी का मंदिर है छोटा सा, जो कि कपाट बंद है जिसके। एक ये मंदिर है माता जी का, चलिए हम आपको दर्शन कराते हैं इसके। ये बैठे हैं भोले बाबा और पार्वती जी। तो गुड मॉर्निंग, अभी बज रहे हैं 6:30, और हम लेट हो गए रूम से निकलने में, उठने में लेट हो गए, मतलब आरती ख़त्म हो गई, लेकिन अभी भी उजाला हुआ नहीं है पूरा, और हवा बहुत ठंडी है, आरती ख़त्म हो गई। हाँ ये सब नहा भी लेने, हम नहीं नहाए लेकिन अभी बहुत ठंड है भाई, बच्चे हैं वहाँ, और पानी देखिए कितनी तेज जा रहा है। ये सुबह का माहौल है, देखिए लोग नहा रहे हैं आराम से, सब यहाँ पे आ गए हैं, अब उजाला होने लगा है, और ये पूरा मंदिर जगमगा रहा है,
और पानी का भाव भाव भी बहुत तेज है। और अब हम चल रहे हैं घर कि नहीं, कैसी रही ट्रिप? ट्रिप में सब कुछ बढ़िया रहा ना? सब कुछ देख लिया हमने, सारी चीजें बहुत अच्छे से हो गई और आखिर में भगवान जी के दर्शन। चलो हम चलते हैं घर, चलो बाय बाय। ये सफर मंजिलों की ना है कोई खबर, रास्तों से मेरी और यूपी में आते ही आपको फॉग ने वेलकम किया है। देखिए कितना फॉग है यूपी में, अभी तक उत्तराखंड में कोई फॉग नहीं था, वहां पे स्नोफॉल देख रहे थे हम लोग, फिर बारिश देखी या फॉग देख रहे हैं, तीनों मौसम का मजा ले रहे हैं हम। यूपी वाले कह रहे हैं कि भैया आ गए हो ना वापस, थोड़ा ठंडा यहाँ का, थोड़ा ठंडा यहाँ, लेकिन यहाँ भी ठंडी अच्छी खासी बढ़ गई है, जो बीच में कम हो गई थी जब हम लोग जा रहे थे, लेकिन अब दोबारा बढ़ गई है भाई। जब पहाड़ों में बर्फ गिरेगी तो नीचे ठंड तो आएगी। मैं तो चाहता हूँ साला मई तक बर्फ गिरे, सॉरी मई तक बर्फ कह रहा हूँ, मई तक ठंडी रहे, क्योंकि मुझे गर्मी पसंद नहीं है बिल्कुल, बिजली बिल बहुत आता है और ऊपर से गर्मी भी दिन भर हाई आया करता है। अप्रैल तक भी कर दो ना तो कोई दिक्कत, अप्रैल तक भी कर दो तो कोई दिक्कत, मैं ठंडे की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब हाई हाई वाली गर्मी ना हो, मेरा कहने मतलब ये है, दिन में ठीक हो लेकिन रात में आदमी सो सके, सही कहना ना दोस्तों। तो टाइम हो गया 12:30 और हम पहुंच गए किसरा रिजॉर्ट, हम पहुंच गए हैं कृष्णा रिजॉर्ट। यहाँ अक्सर हम जब भी इस रूट पे आते हैं तो हम यहाँ जरूर रुकते हैं खाना खाने के लिए, क्योंकि हमको ये बेस्ट लगता है। भाई टेबल बाहर नहीं लगी है, आपके अंदर ही है, बाहर लगवाओ तो मज़ा है धूप में। क्या तुम अंदर बैठ गई पहले जाके? हम सोचे थे टेबल बाहर लगवा लेते, धूप में बैठे खाते बड़े, अब सर नहीं लगती, पहले लगती थी। चलो कोई दिक्कत नहीं, ऑर्डर करो। हाँ अब रिजॉर्ट हो गया, पहले ढाबा था। एक घंटे के इंतजार के बाद हमें खाना मिल गया और खाने में आ गया हमारा रायता, हमारी दाल, अगर वहाँ जरा स्पून हटाना, और आ गई है हमारी हांडी पनीर जो कि बहुत डिलीशियस लग रही है, और आ गई है साथ में रोटियां, और ये देखिए भूखे लोग की शक्ल, भूख लग रही है बहुत। तो अब हम खाना स्टार्ट करते हैं, और ये बैठा है आज मेरे पास, इसको मैं आज खिलाऊंगी पीट पीट के। और सिया बैठी है वहाँ पे, सिया क्या खा चुकी हो पहले तुम? और क्या खाया? हाँ तो मेन चीज तो बता नहीं रही हो, चलो ठीक है फिर खाना स्टार्ट करते हैं। मेरी यारी हो गई जो फर्ज से भरा था बस्ता, वो भी खाली हो गया, बुरा है जमाना तू चल टकर न कर अगर मगर। और यहाँ दो गाड़ियों बीच में टक्कर हो गई, इसके चक्कर में लड़ाई चल रही है, इसलिए जाम लगा है, देखो हाथा पाई चल रही है। अब हम आ गए हैं फाइनली लखनऊ। सिया कैसा लग रहा है? और लखनऊ आके हमें बहुत अच्छी वाली फीलिंग आ रही है। अब हम जा रहे हैं, अभी हम कहाँ पे हैं मिस्टर? यहाँ पे इंदिरा नगर, कपूरथला में है। और यहाँ पे हम पहले रोल खाएंगे, फिर चारबाग जाएंगे, मम्मी को लेंगे क्योंकि मम्मी आ रही है ट्रेन से कानपुर से, और उसके बाद जाएंगे अपने घर। तो चलिए आज आपको चारबाग भी दिखाते हैं। और अब हम आ गए हैं रेलवे स्टेशन मम्मी को लेने, उनकी ट्रेन भी आ गई है और हम भी पहुंच गए। और स्टेशन पहले तो बहुत अच्छा हो गया, हम तो आते नहीं है, लेकिन देखिए लाइटें कितनी लग गई हैं। ये बैक साइड है, फ्रंट साइड तो और अच्छा हो गया, ये बैक साइड से हम आए क्योंकि फ्रंट पे गाड़ियां खड़ी होने नहीं मिलती जल्दी। ये आ गई मम्मी, ये आ गई है माता जी हमारी, ये ले आए हैं नीचे से। कैसी रही जर्नी? अरे मेरा बच्चा, ट्रेन छोड़ रही ट्रेन। तो भैया ये सिया को मिल गई नानी, हो गई जर्नी कम्प्लीट। तो चलिए घर चलते हैं, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। कैसा है